हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकम टैक्स की। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करते हैं आगे। अब जो नया प्रोविजन है, इट इज़ रिगार्डिंग गिफ्ट इनकम या गिफ्ट मनी। काफ़ी सारे टॉपिक्स 56 सबसेक्शन 2 के मैंने आपको समझा दिए थे। अब यहाँ पे मैं गिफ्ट इनकम की बात कर रहा हूँ, तो देखें उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या बोला है, क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। पॉइंट ये है कि सपोज़ आप मुझे कुछ गिफ्ट कर रहे हो या मैं आपको कुछ गिफ्ट कर रहा हूँ, तो इन शॉर्ट आपने कुछ गिफ्ट की इनकम रिसीव की है। अब गिफ्ट के तौर पे क्या क्या रिसीव कर सकता है रिसीवर? एक तो मनी, सबसे बेस्ट चीज़। दूसरा प्रॉपर्टी, पहले उन्होंने इमूवेबल समझाया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा ऑप्शन क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तीन ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये तीन चीज़ें अवेलेबल है। अब इसमें ये तीनों चीज़ें में से आप जो भी गिफ्ट में रिसीव करोगे, तो क्या रिसिपियंट के हैंड्स में टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो गिफ्ट टैक्सेबल इनकम होती है, कौन से सरकमस्टांसिस में नहीं होती है, वो भी यहाँ पे हम सीखेंगे। अब देखो, अगर आप पैसे आपको कोई दे रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में उन्होंने दो कंडीशन समझाई है। एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी सामने वाला आपको दे और आपसे एक रुपया भी ना ले। दूसरा ऑप्शन है, उसमें ऐसे बोला है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन लिया लेकिन पूरा कंसिडरेशन या कंप्लीट या इनफ कंसिडरेशन नहीं लिया। मूवेबल प्रॉपर्टी में भी सेम चीज़ बोली है, या तो गिफ्ट या फिर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ऐसे बोला हुआ है। अब टैक्सेबिलिटी कब आएगी, कैसे आएगी, उसके कुछ प्रोविजंस हैं, बता देता हूँ क्या बोला हुआ है। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गिफ्ट में मनी की। अगर आप पूरे साल में कैश गिफ्ट लोगों से रिसीव करते हो, तो एक साल का एग्रीगेट इन अ फिनेंशियल ईयर मैक्सिमम आप अगर रुपये 50,000 रिसीव कर लो, 50,000 रुपीज़ इन अ फिनेंशियल ईयर इन एग्रीगेट फ्रॉम ऑल द पीपल, मतलब ऐसा नहीं कि पर पर्सन जो कोई आपको पैसे दे रहा है, जितने भी लोगों से आपको गिफ्ट मिला है ना, टोटल उसका कितना, 50,000 रुपये तक अगर आपको गिफ्ट मिलता है, तो इसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन 50,000 के बदले अगर 50,000 और एक रुपया हो गया, उन्होंने बोला इट एक्सीड्स 50,000 रुपीज़, तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 50,000 कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। सपोज़ आपको पूरे साल में गिफ्ट मिला 90,000 रुपीज़ कैश, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से 50 माइनस करके बाकी का 40 टैक्सेबल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50,000 से ऊपर जाते ही फुल अमाउंट रिसिपियंट के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा, ये आपको समझना है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई क्वेरी आया समझ में, क्लियर हुआ? तो ये कंडीशन यहाँ पे बोली है अंडर द गिफ्ट टैक्स ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। ये एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, अगर आपको मनी के बदले सपोज इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग और बोथ कुछ भी आ सकता है, सारी चीज़ें जो पॉसिबल है वो कवर्ड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पता है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ये आपको आइडिया होगा, रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। उसके लिए पहले प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकलती है कि भाई कितनी वैल्यू के ऊपर भाई स्टैम्प ड्यूटी देनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और उस पर चार्ज होती है स्टैम्प ड्यूटी। जैसे अब हमारे यहाँ गुजरात में 5% स्टैम्प ड्यूटी का रेट है, तो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपये है, तो उस पर 5% स्टैम्प ड्यूटी, मतलब 2.5 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ेगी बायर को, ये रूल होता है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में गिफ्ट का क्या प्रोविज़न है, उन्होंने ऐसा बोला, दो कंडीशन देखनी है। रिसिपियंट जो भी होगा या रिसीवर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होगा, उसके हैंड्स में टैक्सेबिलिटी कब आएगी, अगर उसको जो प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, गिफ्ट में मिली है, पहला कंडीशन है कि कोई पैसा नहीं लिया, फ्री में मैंने आपको प्रॉपर्टी दी है, तो उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है, 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा है,
तो फिर उस सिचुएशन में आपके लिए ये पूरी प्रॉपर्टी टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब जैसे मैंने आपको ये प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट की, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 4 लाख रुपए। मैंने आपसे कोई कंसिडरेशन लिया क्या ये 4 लाख के सामने? कुछ भी नहीं, जीरो। इन शॉर्ट आपको गिफ्ट कितने का दिया मैंने? पूरे 4 लाख रुपए आपका गिफ्ट है ना, आपकी तो फायदा ही हो गया। 4 लाख की चीज़ आपको फ्री में मिल गई, तो गिफ्ट कंपोनेंट बेनिफिट प्रपोर्शन कितना हुआ? 4 लाख रुपए पूरा। तो उन्होंने बोला कि अगर ये गिफ्ट प्रपोर्शन, ये बेनिफिट 50,000 रुपये से एक्सीड कर जाए तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो पूरे 4 लाख रुपये जितनी भी है पूरी ही मानी जाएगी एज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर। इस सिचुएशन में आप गिफ्ट इनकम शो करोगे अपनी बुक्स में 4 लाख रुपीज़, उसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे। गिफ्ट टैक्स कोई अलग रेट नहीं है, गिफ्ट टैक्स मतलब स्लैब रेट पे लगेगा जो अदर सोर्सेज के हेड में आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। तो ये विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, कैजुअल इनकम, 30% टैक्स वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स कौन सा होगा? जो स्लैब रेट लगता है उसी हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो इन शॉर्ट बेनिफिट 50,000 से ऊपर हो गया ना तो ये टैक्सेबिलिटी आ गई। अब इसके साथ एक और पॉइंट है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अब हो सकता है कि मैंने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन आपको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की हो। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब इन शॉर्ट दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट गिफ्ट, मैंने आपसे कुछ पैसे चार्ज किए। अब देख लेते हैं डेटा में क्या है। देखो एक होती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है प्रॉपर्टी की 10 लाख रुपये, ऐसा मान लो। कंसिडरेशन अगर मैं नहीं चार्ज करता तो वैसे भी गिफ्ट है, मैं इसमें चलना दिखाने के लिए कंसिडरेशन चार्ज कर लेते हैं। कितना? सपोज़ 6 लाख रुपीज़ रखते हैं। 6 लाख रुपीज़ कंसिडरेशन मैं चार्ज कर रहा हूँ। 10 लाख की चीज़ 6 लाख में दे दी, रिसीवर का बेनिफिट तो हुआ। कितना बेनिफिट हुआ? 4 लाख रुपए का। अब देखना पड़ेगा ये बेनिफिट टैक्सेबल है या नहीं। तो इसके लिए दो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बीच में आया, एक्चुअली में दो कंडीशन है। बोलते हैं कि बेनिफिट का अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा हो तो, बट बोले सिर्फ ये एक कंडीशन मत देखो, एक और कंडीशन देखो। दूसरी कंडीशन में बोला है 10% ऑफ कंसिडरेशन, 10% ऑफ कंसिडरेशन, ये 16 जैसे दिख रहा है, 10 कर देता हूँ। कंसिडरेशन कितना है? 6 लाख। इसका 10% कितना होगा? 60,000। तो ये दो लिमिट है, एक नहीं, 1, 2। 50,000 फ्लैट लिमिट, 10% ऑफ कंसिडरेशन के हिसाब से जो आपका आंसर आया वो। इन दोनों में से देखा जाएगा विच एवर इज हायर, क्या सिलेक्ट होगा? 60,000। इन शॉर्ट अगर बेनिफिट का अमाउंट 60,000 से ज़्यादा हुआ तो पूरा बेनिफिट का अमाउंट टैक्सेबल। वापस बोल रहा हूँ, बेनिफिट का अमाउंट अगर 60,000 से ज़्यादा हुआ तो पूरा बेनिफिट का अमाउंट टैक्सेबल। 60,000 कहाँ से आया? उसके लिए दो लिमिट देखी, 50,000 रुपये या फिर कंसिडरेशन का 10%, दोनों में से विच एवर इज़ हायर, तो बेनिफिट यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपने जो प्रॉपर्टी रिसीव की मुझसे उस पर आपकी गिफ्ट इनकम, टैक्सेबल गिफ्ट इनकम कितनी मानी जाएगी? 4 लाख रुपये। देख लो, कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना है तो आप बता सकते हो। टैक्सेबल गिफ्ट इनकम 4 लाख रुपए, और उस पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफ़र की है तो गिफ्ट का प्रोविजन लगाने के लिए दो लिमिट देखी जाती है, 50,000 रुपये जो है दैट इज़ द फ्लैट अमाउंट, या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन, दोनों में से विच एवर इज़ हायर। तो आई होप यहाँ तक पता चल गया होगा। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, दैट इज़ द मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कंडीशन को सिंपल कर दिया। पहले तो ये बोला कि इसमें सिर्फ एक ही लिमिट है 50,000 वाली, वो 10% वाली कोई लिमिट नहीं। तो 50,000 से ज़्यादा अगर बेनिफिट हुआ तो पूरा बेनिफिट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट 50,000 रुपये का अमाउंट कंपेयर करने के लिए हम मूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं देखते, यहाँ पे हम देखते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। तो अगर कोई प्रॉपर्टी है, मूवेबल गुड्स है या प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको सपोज़ 2 लाख रुपए में दी, बट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख रुपए है, तो बेनिफिट देख रहे हो आप, बेनिफिट कितना हो रहा है रिसीवर का? 1 लाख। तो ये 1 लाख 50,000 से ज़्यादा है ना, तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, एकदम इजी कंडीशन। बट यहाँ पे एक स्टार मार्क है। मूवेबल प्रॉपर्टी की एक डेफिनेशन है
उसमें लिमिटेड पॉइंट्स जो यहाँ पे कवर होते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है ना, उसके अंदर कुछ लिमिटेड पॉइंट्स ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हर मूवेबल प्रॉपर्टी पे गिफ्ट टैक्स लगाओगे। जितनी मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे एनलिस्ट की है, सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, ये समझना है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करवा देता हूँ। ये है आपकी डेफिनेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, इसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ये फर्स्ट पॉइंट में कवर हो गई है। बाकी की ये जो प्रॉपर्टी है, ये है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत ध्यान से समझना, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें आती है। मींस इनमें से अगर कोई चीज़ किसी को गिफ्ट करे तो रिसीवर के हैंड्स में जो है टैक्स लायबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब जैसे देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन नहीं होते, एंटिक्स, एंटिक चीज़ें, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्ट वर्क। ये पता है अपने को समझ में नहीं आता है, इसको ये लोग कितनी बार बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, इसका एक टाइप होता है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में वो कैनवस के ऊपर कुछ भी बनाया होता है। एक पेंटिंग मैंने देखी, या ब्लू कलर है या येलो कलर है, पता नहीं 50 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए ऑक्शन हो रहा है उसका। बोला क्या खरीद रहे हो यार तुम, खाली दो ब्रश मार दिए, ब्लू एक येलो। बोले एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। बोला अच्छा, इतने पैसे क्यों दे रहे हो? वो जो नीचे पेंटर का नाम लिखा है ना, उसकी ब्रांड वैल्यू है। बोले वो एकदम बड़ा कोई बिलियनेयर है, वो अपने ड्राइंग रूम में पेंटिंग लगाएगा, पेंटर का नाम है, पता चलेगा कि हाँ इसका कम से कम 2 करोड़ रुपए दिया है ना, तो उसका स्टेटस बढ़ेगा। बोला वाह, ये तो अच्छी बात है। तो आर्ट वर्क, स्कल्पचर, पेंटिंग, ड्राइंग, जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें। और बुलियन, बुलियन में आते हैं गोल्ड के कॉइन आते हैं, गोल्ड कॉइन और गोल्ड का बिस्किट, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब चीज़ें कवर होगी, प्रेशियस मेटल्स, ये सब बुलियन में कवर हो जाते हैं। ज्वेलरी के फॉर्म में नहीं, ज्वेलरी अलग चीज़ है, वो ऊपर आ गई। अगर गोल्ड का कॉइन है या बिस्किट है या गोल्ड बार है, दैट इज़ अ बुलियन, क्योंकि उसको अभी ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है। सिर्फ यही चीज़ें मूवेबल में आती है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। क्यों, इसका क्या रीज़न है, मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ? बिकॉज ऑब्वियसली जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लग्जरी कार है, लग्जरी कार, स्पोर्ट्स बाइक, लग्जरी वॉचेज, वो नहीं रोलेक्स वोलेक्स आती है, डायमंड वॉचेज एंड ऑल, रोलेक्स, राडो, ये सब जो कंपनीज की आती है, बहुत महंगी महंगी घड़ियाँ आती हैं, डायमंड्स लगे होते हैं एंड ऑल, ये सब चीज़ें अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, उसकी वैल्यू 50,000 हो या 5 करोड़, रिसिपिएंट के हैंड्स में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। तो ये चीज़ें मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आती ना, इसलिए हो रहा है। अब जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दूँ, आपने बहुत बार सुना होगा, ऐसे मूवीज़ में होता है या बॉलीवुड में जनरली होता है। अब सपोज़ ऐसा कुछ है, अपना करण जौहर, अब करण जौहर ने एक मूवी प्रोड्यूस की, ये प्रोड्यूसर है, करण जौहर ने अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया और बोला कि सर मेरी मूवी में एक कैमियो रोल, बोलते हैं ना कैमियो का मतलब है कि स्पेशल अपीयरेंस, छोटा सा रोल है, स्पेशल अपीयरेंस करना है, हार्डली 2-3 मिनट का सीन है खाली आपका, या 5 मिनट का रोल है, ज़्यादा नहीं, तो एक स्पेशल अपीयरेंस अगर आप करोगे ना, तो उससे मेरी मूवी में आपका नाम आ जाएगा, तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, तो ये आप कर लो। तो अमिताभ बच्चन को पूछा, सर आप फीस कितनी लेंगे? अमिताभ बच्चन ने बोला, ये बोले मैं इसके 2 करोड़ रुपए लूँगा। अब आप सोचोगे यार 2 मिनट के रोल के 2 करोड़, लेकिन 2 मिनट का रोल है किसका? अमिताभ बच्चन का। उनके 2 मिनट के रोल की वजह से 20 करोड़ की टिकटें बिक जाएंगी, तो ऑब्वियसली उनको ये 2 करोड़ रुपए देना, पिक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करण जौहर ने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 करोड़ मांगोगे मैं दे दूंगा। अब अगर ट्रांजेक्शन ऐसे ही हुआ तो करण जौहर अमिताभ बच्चन को 2 करोड़ रुपये पे करेंगे। अब अमिताभ बच्चन के लिए वो 2 करोड़ रुपए इनकम है, तो इस इनकम पे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा उनके स्लैब रेट के हिसाब से। अब वैसे तो वो सीनियर सिटीजन है, 3 लाख वाला स्लैब रेट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी 2 करोड़ पे स्लैब रेट के हिसाब से आप टैक्स गिनो कितना होगा, 50-60 लाख रुपीज़ से ऊपर, सरचार्ज भी लगेगा, ये भी लगेगा, वो भी लगेगा। बोले यार ये तो बड़ा खर्चे का काम है, 60 लाख रुपीज़ तो सरकार ले जाएगी। बोले इसका एक अपने सोल्यूशन निकालते हैं। अमिताभ बच्चन ने बोला कि यार एक काम करो, ये सब छोड़ो, झमेला हटाओ, एक काम करो, करण जौहर को बोला, इसको के जो बोलते हैं शॉर्ट में, तो करण जौहर ने अमिताभ बच्चन को पूछा सर क्या करना है, कैसे आपको मैं अमाउंट पे करूं? अमिताभ बच्चन ने बोला कि आप मुझे अगर पैसे देते भी ना, तो मुझे इसमें से एक गाड़ी खरीदनी थी, रोल्स रॉयस, बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, और वो गाड़ी 2 करोड़ वाला एक मॉडल है जो मुझे परचेज करना है। आप एक काम करो, आप जाके रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदो 2 करोड़ रुपये वाली जो मैं बता रहा हूँ, और ये गाड़ी ख़रीदने के बाद मुझे गिफ्ट कर दो। आया समझ में?
अब करण जौहर का क्या नुकसान है इसमें, उसके 2 करोड़ तो लगने हैं। अब वो पिक्चर के पैसे कैश में दे दे उनको, गूगल पे कर दे, या गाड़ी खरीद के दे दे, उसके तो 2 करोड़ जाने ही वाले हैं ना। तो अमिताभ बच्चन ने बोला मुझे गाड़ी के फॉर्म में पैसे चाहिए, तो करण जौहर बोलेगा ठीक है मैं गाड़ी के फॉर्म में देता हूँ सर, आप जैसा बोलो। अब ऑन पेपर ये शो करते हैं मीडिया में, फिर पब्लिसिटी होती है ना, तो मीडिया में ऐसे बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन ने करण जौहर की मूवी में गेस्ट अपियरेंस किया फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया, इतने महान एक्टर है, ऐसा कोई नहीं होता है, पैसे हर कोई लेता है। लेकिन करण जौहर को ये लगा कि उनको थैंक यू बोलना चाहिए, उन्होंने फ्री में रोल किया, तो करण जौहर ने थैंक यू बोलने के लिए कार गिफ्ट कर दी। आ रहा है समझ में? तो करण जौहर ने अमिताभ बच्चन को गाड़ी गिफ्ट की है, पिक्चर में काम करने के तो उन्होंने कोई पैसे लिए ही नहीं, ऐसा दिखाया है ऑन पेपर। इससे क्या होगा पता है, वो जो 2 करोड़ रुपये करण जौहर ने गाड़ी खरीदने में खर्च किए, उसमें कोई 50-60 लाख रुपये इनकम टैक्स थोड़ी लगा, उसका तो खर्चा है ना। और गाड़ी खरीदने पे जो GST VST लगता है वो तो चलो लगना ही है, वो टैक्सेस इंपोर्ट ड्यूटी एंड ऑल वो तो वैसे भी लगने थे, अमिताभ बच्चन खुद खरीदते तो भी तो टैक्स लगता है ना, वो इररेलेवेंट है। रेलेवेंट क्या है यहाँ पे, वो जो इनकम टैक्स लग रहा था ना स्लैब रेट से, वो इनकम टैक्स अमिताभ बच्चन ने बचा लिया। तो करण जौहर ने गाड़ी खरीदी और करण जौहर ने वो गाड़ी अमिताभ बच्चन को गिफ्ट कर दी, ऐसा ऑन पेपर शो करने से रिसिपिएंट के हैंड्स में टैक्सेबिलिटी नहीं आई। क्यों पता है? क्योंकि जो लग्जरी कार है, लग्जरी कार हो या ऑर्डिनरी कार हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है, तो रिसिपिएंट के हैंड्स में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आ सकती। आया है समझ में? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये मेरा कहने का मीनिंग था। तो प्रॉपर्टी में क्या कवर होता है क्या नहीं कवर होता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन होगा। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। जो थियरी मैंने आपको बोली, तीनों पॉइंट्स जो मैंने समझाए, मनी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये अमेंडमेंट जो मैंने आपको बोला, 10% जो मैंने ही बोला आपको, अब ये December 20 तक के एग्ज़ाम्स के लिए ये रेट 5% था, तो जिन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा होगा ना December 20 के एग्ज़ाम्स के लिए, उनके लिए रेट 5% था। आपके नोट्स मटेरियल में भी आप चेक करना। अभी फिनांस एक्ट 2020 AY 2021 के लिए फॉर जून एंड December 2021 एग्ज़ाम्स, इसमें ये रेट 5% से बढ़ा के 10% हो गया। सो दिस इज़ एन अमेंडमेंट फॉर द ईयर 2021, वैलिड टिल December 21 एग्ज़ाम्स। ये 80 पॉइंट भी मैंने बता दिया मूवेबल वाला, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बदले फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो यूज़ होगी। अब इसका कुछ प्रोविज़ो है, प्रोविज़ो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, तो चलिए प्रोविज़ो की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बोला हुआ है इसमें। चलिए सबसे पहले, अब प्रोविज़ो का मतलब क्या है कि यहाँ पे फिर गिफ्ट जो मिली है आपको या गिफ्ट की जो इनकम हुई है वो टैक्सेबल नहीं होगी, कहने का मतलब वही हो गया। पहला जो पॉइंट है उसमें बोला हुआ है गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स। अब ये थोड़ा सा अगेन बात वैसी हो गई कि भाई रिलेटिव्स का मतलब क्या, इंडिया में तो अपने बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे होंगे, सुबह सुबह उनके वो भगवान के फ़ोटो, गुड मॉर्निंग, निकलता हुआ सूरज, वो सब भी आता होगा ना, तो अपने खोलते भी नहीं, अपने तो इमेज डाउनलोड भी नहीं करते, क्या ठीक है वही होगा यार, वही हर रोज़ भगवान आते हैं, वही गुड मॉर्निंग आता है, वही सूरज निकलता है, वही भेजते हैं, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है भेजने दो। अब व्हाट्सएप ग्रुप वाले सारे रिलेटिव्स आपकी इस डेफिनेशन में यहाँ पे कवर होंगे या उनसे जो गिफ्ट मिला है वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्या कंडीशन है? कुछ रिलेटिव्स वो भी होते हैं जो आपको सिर्फ आपके फैमिली में जो मैरिज फंक्शंस होते हैं ना उसमें मिलते हैं, और पहली बार वो आपको तब उन्होंने देखा होता है जब आप ऐसे गोद में होते हो ना 6 महीने 1 साल के, तब उन्होंने आपको देखा होता है, फिर वो आपको मिलते हैं जब आप 20 साल के हो चुके हो, और तब वो आपको क्या बोलते हैं, बोले पहचाना, सबसे पहला डायलॉग ये होता है पहचाना, होता है ऐसा, अपने सोचते हैं अब हाँ बोलूँ ना बोलूँ, ना बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा हाँ बोल दिया आपने कि चलो ठीक है हाँ पहचान लिया, फिर पूछते हैं कौन हो बताओ, या तो फिर हंस पड़ते हैं, बोले कैसे पहचाना होगा, तब तो तू 6 महीने का था, तो जो मालूम था तो पूछना ही नहीं चाहिए था, आपको याद नहीं मैं 6 महीने का था, कैसे पहचानूंगा मैं, कोई बात होती है ये, बट आदत होती है, बात क्या करें, टाइम पास कैसे करें, तो ऐसे सवाल आते हैं और वो बड़े कॉमन से और वो बोलते क्लीशे डायलॉग्स, वैसे ही होता है, झेलना पड़ता है, क्या कर सकते। अब ऐसे रिलेटिव्स जो पैदा होने पर मिले, शादी में मिले और बाद में फिर उनकी खबर मिली, पता ही नहीं कौन है क्या है, गए तो गए तब पता चला, तो अब उनके उनको थोड़ी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ऐसे तो रिलेटिव्स की इंडिया में कोई लिमिट ही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई इस सेक्शन के लिए आपके रिलेटिव्स की डेफिनेशन लिमिटेड है, वो हम देखेंगे, सिर्फ उन्हीं रिलेटिव्स से मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा, बी पॉइंट ए से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं, मैं रिलेटिव्स की डेफिनेशन में जाऊँगा आगे, ए और बी पॉइंट आपस में कनेक्टेड नहीं, ये बोला है मैरिज गिफ्ट, आपके मैरिज के ओकेजन पे आपको कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन गिफ्ट दे, आपका रिलेटिव हो, फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, नेबर हो, अननोन पर्सन हो, कोई भी हो, कोई भी आपको आके गिफ्ट दे, वो गिफ्ट में आपको जो कुछ भी मिला है वो टैक्सेबल नहीं होगा, ये यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। तो दैट इज़ ऑन दी ओकेजन ऑफ मैरिज ओनली, एंगेजमेंट नहीं चलेगा, मैरिज एनिवर्सरी नहीं चलेगा, बर्थडे पार्टी नहीं चलेगा,
25th मैरिज एनिवर्सरी भी नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना, क्लियर। यहाँ पे सिर्फ बात मैरिज की ओकेजन की कर रहे हैं, अगर मैरिज के अलावा और कोई फंक्शन है जैसे किसी के एंगेजमेंट है, या पता है अपने इंडिया में मैरिज पे लोग इतना स्पेंड करते हैं कि उसका पूरा एक टाइम टेबल निकलता है, 7 दिन तो शादी के फंक्शन है, 11 को ये, 12 को ये, 15 को ये, 16 को ये, 17 को रात को फेरे, विदाई, मतलब पूरा एक हफ्ते का मेन्यू कार्ड बना के दे देते हैं गेस्ट को कि बार बार रिमाइंड नहीं कराना पड़े, इसमें देख के अपने आप ये टाइम पर ये लोकेशन पर आपको आना है इतने बजे, सब डिटेल दे देते हैं। तो मैरिज में और भी फंक्शंस होते होंगे, गिफ्ट तो अलग अलग उस पर मिलते होंगे, ऑन पेपर आप ये शो कर दो कि मैरिज के दिन पे आपको ये मैरिज गिफ्ट मिला है, तो कोई टैक्सेबिलिटी उसमें नहीं आएगी। तो ये हिसाब किताब करने का अच्छा मौका है, क्योंकि मैरिज का ओकेजन यूजुअली बार बार नहीं आता है, तो जब आ रहा है तो उसका पूरा फ़ायदा एक बार में ले लो, नहीं तो उस चक्कर में वापस से फंक्शन रखना पड़ेगा, वापस मैरिज करनी पड़ेगी, महंगा पड़ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अंडर अ विल और बाय इनहेरिटेंस। विल या इनहेरिटेंस में आपके पेरेंट्स से आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलने ही वाली है, उसके अंदर टैक्सेबिलिटी की क्या बात है, तो उसको भी उन्होंने गिफ्ट टैक्स से बाहर रखा। फिर बोला इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ अ पेयर, किसी से आपको पैसे लेने थे, उसकी डेथ हो गई और उसके फैमिली मेम्बर्स ने आपको कोई प्रॉपर्टी दे दी, तो वो तो हिसाब सेटल हुआ ना भाई, गिफ्ट थोड़ी मिला है मुझे। लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनसे कुछ पैसा मिला, जैसे अपने फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं सुनते कि अलाउंस दिया, गिफ्ट दिया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी पब्लिक को पैसे दिए, इंडिया में ऐसा कभी होता नहीं है, बाय चांस कभी हो गया तो उसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। एफ पॉइंट में बोल रहे हैं स्कॉलरशिप, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्कॉलरशिप या ऐसा कुछ देते हैं, ग्रांट देते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए, पैसे देते हैं, उसके ऊपर उनके लिए कोई गिफ्ट इनकम नहीं है। ट्रस्ट वाले लोगों की मदद करते हैं पैसे दे के, मेडिकल बिल्स, एजुकेशन बिल्स, ये वो स्टडीज़, तो ट्रस्ट वाले को तो काम ही है ना चैरिटी करना, तो चैरिटी जो रिसीव करता है उसको थोड़ी टैक्सेबिलिटी होने वाली, वो नहीं होगी, उसको अगर टैक्स भरने का पैसा होता तो चैरिटी क्यों लेता वो। फिर नेक्स्ट पॉइंट में सेक्शन 47, ये कैपिटल गेन से कनेक्टेड है, अभी रिलेट होगा नहीं तो इसके ऊपर अपन नहीं जाए तो भी चलेगा। फिर बोला है फ्रॉम एन इंडिविजुअल बाय अ ट्रस्ट क्रिएटेड और एस्टैब्लिश्ड सोली फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। अच्छा, इसको भी उन्होंने बाहर रखा हुआ है, ये फैमिली ट्रस्ट काइंड ऑफ बनता है ना, कुछ वैसा है कि मैंने जो ट्रस्ट बनाया उस ट्रस्ट में मैंने कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, उसका सारा फ़ायदा मेरे रिलेटिव के बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जिसको फ़ायदा मिल रहा है उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं आती। फिर बोला और भी कोई पॉइंट हमें ऐड करने जैसा लगेगा ना तो हम यह जे पॉइंट के थ्रू कर देंगे, तो ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था, कोई बात नहीं जब करेंगे तो हम फॉलो कर लेंगे और क्या। अब बात हो रही है रिलेटिव कौन होता है, यार इतनी बड़ी डेफिनेशन दे दी है, रिलेटिव्स में कौन कौन आते हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आज से अभी से गिफ्ट इनकम के मैटर में सिर्फ यही लोग आपके रिलेटिव हैं जितने भी यहाँ पे एनलिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल हो, क्योंकि बेनिफिट इंडिविजुअल HUF दोनों को मिलता है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो फैमिली ट्री बनाते जाना माइंड में, आपके स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ रिस्पेक्टिवली, आजकल तो हस्बैंड हस्बैंड वाइफ वाइफ भी हो सकता है तो वो भी लीगल है, तो अपने नॉर्मल केस जो है हस्बैंड प्लस वाइफ, तो हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है, दैट इज़ अ कॉमन सिस्टम, ये ध्यान रखना। इसके बाद बोला ब्रदर और सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब आप इंडिविजुअल हो, आपके स्पाउस को कवर किया, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी हैं उनको भी आपके रिलेटिव में कवर किया, आपके लीनियल असेंडेंट लीनियल डिसेंडेंट, लीनियल असेंडेंट मतलब आपकी प्रीवियस जनरेशन, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उसके ऊपर भी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी अगर अलाइव हैं अच्छी बात है तो वो भी इंक्लूड होंगे, एंड लीनियल डिसेंडेंट में आपके बच्चे, आपकी आने वाली जनरेशन वो भी कवर होगी, ये सब आपके रिलेटिव हैं। ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस मतलब अब इन लॉज वाली फैमिली स्टार्ट होगी, तो आप अगर मेल पर्सन हो तो आपकी वाइफ के ब्रदर और सिस्टर वो भी कवर होंगे आपके रिलेटिव में, अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड के ब्रदर और सिस्टर वो भी कवर हो जाएंगे। अच्छा, स्पाउस के लीनियल असेंडेंट स्पाउस के लीनियल डिसेंडेंट वो भी कवर हो जाएंगे, तो आप मेल पर्सन हो सपोज़ तो आपकी वाइफ के पेरेंट्स मतलब आपके इन लॉज उनके पेरेंट्स वो भी कवर होंगे लीनियल असेंडेंट में, मतलब वाइफ के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वो फैमिली भी आ गई, और लीनियल डिसेंडेंट मतलब वाइफ के बच्चे और आपके बच्चे कॉमनली मेजॉरिटी केसेस में तो सेम ही होंगे, वही होंगे ना, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर जैसे होता है ना किसी की मैरिज सेकेंड मैरिज हुई है आपके साथ और फर्स्ट मैरिज से उनके कोई बच्चे हैं तो वो भी यहाँ पे काउंट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए अलग से लिखा है लीनियल डिसेंडेंट और स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। अब वो लीनियल डिसेंडेंट आपके थ्रू है या कोई प्रीवियस मैरिज के थ्रू उनके बच्चे हैं ऐसा कुछ है वो एक अलग मैटर है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो भी इंक्लूड होंगे। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब आप इंडिविजुअल, आपके पेरेंट्स तो फादर और मदर, फादर के ब्रदर और सिस्टर,
ठीक है, मतलब चाचा और बुआ, और मम्मी के भी ब्रदर और सिस्टर, मतलब मामा और मासी। तो ये चार लोग आपके फैमिली रिलेटिव्स के डेफिनेशन में इंक्लूड हो गए। लास्ट पॉइंट में देखो क्या सिक्सर मारा, स्पाउस ऑफ द पर्सन रिफर्ड टू इन अबव क्लॉजेस, मतलब यहाँ पे चाचा के साथ चाची भी इंक्लूडेड है, बुआ के साथ उनके हस्बैंड इंक्लूडेड है, मामा के साथ मामी इंक्लूडेड है, मासी के साथ मासा जी इंक्लूडेड है, डबल कर दिया। ऊपर भी जितने लोग थे ना, ब्रदर सिस्टर, तो उनके भी जैसे स्पाउस के ब्रदर, तो स्पाउस के ब्रदर की वाइफ, स्पाउस की सिस्टर का हस्बैंड, आपके ब्रदर सिस्टर है तो उनके हस्बैंड वाइफ जो भी है वो सब भी कवर हो जाएंगे। तो सबको कपल में काउंट किया है, इंडिविजुअली नहीं काउंट किया, ये ध्यान रखना। तो सिर्फ यही लोग अभी गिफ्ट प्रोविजंस में आपके रिलेटिव्स हैं। इनके अलावा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई रिलेटिव है या उनके थ्रू आपको कोई गिफ्ट मिला है तो वो टैक्सेबल हो सकता है, जैसे बाकी लोगों से मिलने पे हो सकता है। तो इसमें उन्होंने मेजरली कजिन्स को इंक्लूड नहीं किया। आप देख लो जितने मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जी क्यों लिख रहा हूँ ना, कजिन्स, ठीक है, कजिन्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, उनको इंक्लूड नहीं किया हुआ है। और जैसे एक कल स्टूडेंट में पढ़ा रहा था तो उन्होंने बोला, बोले सर ब्रदर और सिस्टर के जो बच्चे हैं, मतलब भांजे भांजियाँ जो है, या भतीजे भतीजी है, उनको भी इंक्लूड नहीं किया। तो वो सारे रिलेटिव्स तो वैसे फर्स्ट फैमिली या क्लोज रिलेटिव्स में ही आते हैं, लेकिन स्टिल उनको डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। तो उनसे अगर कुछ मिल गया आपको तो वो नॉर्मली जैसे बाकी लोगों के केस में टैक्सेबल होता है, वो 50,000 वाली लिमिट गिफ्ट में एंड ऑल, वो वैसे ही काउंट होगा। क्लियर? तो गिफ्ट प्रोविजन। अच्छा, एच यू एफ के केस में अगर एच यू एफ को गिफ्ट मिला है तो उसका मेंबर ही उसका रिलेटिव है। एच यू एफ के केस में रिलेटिव कैसे पता चलेगा? मेंबर के थ्रू, और कोई रिलेटिव तो होगा नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे गिफ्ट प्रोविजन में है, और बाकी और कुछ बचा नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। जो नीचे ये एग्जाम्पल्स हैं वो आप सॉल्व करके देख सकते हो, मैं लाइव सेशंस में जब डिस्कशन करवाऊंगा तब देख लूँगा, और कोई क्वेरी होगी आपकी तो करवा दूंगा। नीचे जो सेवेंथ पॉइंट बचा है वो मैंने लिया नहीं था लास्ट टाइम, और उसमें मैंने आपको ये बोला था कि गिफ्ट वाले से रिलेटेड है। इसमें ऐसा बोला है कि एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड। तो एक क्लोजली हेल्ड कंपनी या एक फर्म जो है उसको दूसरी क्लोजली हेल्ड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड से कोई शेयर्स मिलते हैं, और वो शेयर्स के या तो पैसे लिए नहीं गए या फिर पैसे कम लिए गए, या तो टोटल गिफ्ट या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो उसमें भी वही देखा जाएगा कि बेनिफिट जो है वो 50,000 से ज़्यादा हुआ तो पूरा बेनिफिट टैक्सेबल, और शेयर्स की वैल्यू की बात हो रही है तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो आएगी नहीं, उसमें क्या आएगी, फेयर मार्केट वैल्यू। तो ऐसी कुछ कंडीशंस दी हुई है, तो ये डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात की है, ज़्यादा कुछ घुमाया नहीं है। एमसीक्यू में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आते आते हमने गिफ्ट वाला प्रोविज़न भी कवर कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जब हम लेक्चर में बात करेंगे तो एक मेजर टॉपिक जो मुझे कवर करना है, दैट इज़ डिविडेंड्स, और ये कुछ छोटे छोटे सेक्शन हैं 57, 58, 59, वो सब में से भी जितने पॉइंट्स आपको रिलेट करवा सकता हूँ उतने हम उसके ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा, बाकी जैसे भी है आगे आप बता देना जो क्वेरीज आपकी रहेंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।